अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि बग़ैर जो के इस वीडियो में हम जो है ना बग़ैर इंग्लिश सीखे या कोई भी ज़बान हो, अगर हमें नहीं आता हो या फिर हम इसका कोर्स नहीं किया हो, फिर भी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो फिर एक दूसरे के पास जाने के बजाय हम खुद ही उसके मसला उसका जो मसला है वो हल कर सकते हैं। वो यूँ कर सकते हैं जैसे इस तरह के आप ऐसा करें कि सबसे पहले आप आ जाइए गूगल पे आ जाइए, यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट प्लेस हुआ है, सर्च कर ले। फिर इसके बाद है मतलब यहाँ पे अगर आप उर्दू के कुछ लफ्ज़ लिखोगे, कहाँ जा रहे हो, ये लिख लिया। अभी ये जो है ना, ये जो लेफ्ट साइड पे है ना, इस लैंग्वेज पे क्लिक करें। ये कौन सा है? फिर उसके बाद जो है ना इस लैंग्वेज को उर्दू पे है ना, ठीक है, उर्दू लैंग्वेज, तो इसको फिर हम जो है ना इंग्लिश में जो राइट साइड है उस पर इंग्लिश लिखा हुआ है तो उसको हमने इंग्लिश पे सिलेक्ट किया है। ये हो गया वेयर आर यू गोइंग। तो और इसी तरह जो है ना हम उर्दू के साइड पे जो है ना इंग्लिश करते हैं। स्टूडेंट की वैसे तो बहुत सी ज़बान है, जो भी ज़बान वो आपके पास है या पर मतलब फेसबुक पे कोई फ्रेंड है बाहर मालिक है उसका लैंग्वेज अलग है, तो फिर यहाँ पे जो है ना उसका लैंग्वेज सेलेक्ट करें और वो कॉपी करके उसका जो कमेंट है या जो मैसेज है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें। पहले यहाँ पे जो है ना आप जो इंग्लिश यहाँ पर सेलेक्ट हो गया और उससे सेट में उर्दू मैंने किया हुआ है। अगर इस इंग्लिश को किसी और ज़बान में ट्रांसलेट करते हो तो कोई और कर दे, लेकिन हम अभी उर्दू की ज़रूरत है उर्दू पे कर लेते हैं। उर्दू आ गया तो यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाट इज योर नेम। तो इसका मैं उर्दू में जवाब मिला, आपका नाम क्या है। ये हो गया, ये बहुत से आसान है। मतलब तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं, हम उसे पढ़ नहीं सकते, दूसरे के पास भेज देते हैं, फिर वो हमें ट्रांसलेट करवाता है, तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे करें। उसका आसान तरीका ये है कि हम जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना उसका तस्वीर ले लें, तस्वीर ले के फिर हम इधर ये जो कैमरा है टेक्स्ट पे यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे आ जाइए। मेरे पास मतलब बहुत से डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, इसमें मैं एक दो सिलेक्ट करके आप लोगों को बताऊंगा। कमेंट जैसे कि यहाँ पे ये हो गया ना। अभी देखिए सारे जो मतलब ये नोटिफिकेशन है इजाज़ा के वो सब के ना उर्दू में चेंज हो गया। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए और सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए, और वीडियो का आगे शेयर करें ताकि किसी और को भी मदद मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।